इसमें आ ही रहा है तो क्या भाई, ये सवाल पूछिए इनसे को लेकर के चला गया है, मतलब ये मिलने नहीं दे रहे, ये मिलने का कौन हमको रोकने वाला है। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया, और तेजस्वी नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। राजद के अंदर की लड़ाई अब बाहर आ चुकी है और ये लड़ाई अब सड़क तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने लगातार विरोध का बिगुल फूंक दिया है और जगदानंद सिंह से यह मामला शुरू हुआ था और अब संजय यादव पर यह मामला अटक गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे हैं और वहां उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव भी सीधे तौर पे बोल चुके हैं कि जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। नवादा की एक सभा में उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी थी। अब एक बार फिर से तेज प्रताप यादव जब उनसे मिलने पहुंचे, उसके बाद अंदर क्या बातचीत हुई, इन सभी बातों को लेकर तेज प्रताप यादव ने पूरा मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पे कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आपको बता दे, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, छोटे भाई अभी सो रहे हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि संजय यादव बीच में आने का काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें मिलने से रोक दिया है, हमें इंटरप्ट कर रहे हैं और इस बात का जिक्र सभी लोग कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी लोग अंदर गए थे सभी ने देखा है, और वो कौन होते हैं बीच में रोकने वाले, दो भाई की मुलाकात के बीच में। अब ये मामला लालू प्रसाद यादव का जो मामला है, उनके पार्टी का मामला है, अब कहीं ना कहीं ये और आगे बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव अभी तक इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब तेज प्रताप यादव गुस्से में है और सीधे तौर पर उन्होंने पहले ही चैलेंज कर दिया था कि अगर कार्रवाई करनी है तो तेज प्रताप यादव पर करें, अन्य लोगों पर नहीं करें। और उन्होंने विदेशी पर्यटक, विदेशी सलाहकार का भी बातें कही थी संजय यादव के रूप में, हरियाणा के लोगों के बारे में भी बात कही थी जिसमें संजय यादव का नाम सामने आ रहा था। कहीं ना कहीं फिर से मुलाकात से उन्हें रोक दिया गया है और मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, आप ये वीडियो देखिए। मेरी बात चालू हुई है, संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला है। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया, और तेजस्वी को लेकर के चला गया है, मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से आप पूछिए। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या? ये नहीं, बीच में आ ही रहा है तो क्या बीच आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं। जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। ठीक, चलिए आप एक बात करें क्या, हम लोग आएंगे तेजस्वी जी से बात कर लीजिएगा। जब हम तेजस्वी से बात कर रहे हैं तो कौन, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।